लोकसभा चुनावी रण के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से दिया इस्तीफा। दिल्ली में टिकट बंटवारे और आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को पत्र लिखकर छोड़ा अपना पद। आज समाजवादी पार्टी के गढ़ में अमित शाह करेंगे 3 रैलियां। जनता के बीच जाकर भरेंगे जीत का हुंकार। बंगाल और ओडिशा के दौरे पर जेपी नड्डा बंगाल के बहरामपुर में करेंगे विशाल रैली। ओडिशा दौरे पर राहुल गांधी केंद्रपाड़ा और दमन दीव में करेंगे चुनावी रैली। वहीं मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मॉर्निंग वॉक के जरिए किया चुनावी प्रचार, लोगों से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की और मौजूदा सरकार के कामों की जमकर सराहना की। बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व और उनके काम के लिए जनता से उन्हें बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। जबकि पश्चिम बंगाल संदेश खाली में सीबीआई की रेड पर सियासी संग्राम। टीएमसी ने चुनाव आयोग से की सीबीआई और एनएसजी की शिकायत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीएमसी को संदेश खाली मामले पर घेरा। बोले, टीएमसी के शेख शाहजा जैसे असामाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के लिए खतरा। एजेंसियों पर हमले का जिक्र करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए गए जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर हमला किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर आयोजित किया गया कार्यक्रम। सीआर पार्क में वॉकथन वॉक फॉर केजरीवाल नाम दिया। वॉकथन वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम से आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने इसमें भाग लिया। बोले, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए कर रहे हैं प्रचार। जेल का जवाब, वोट से अभियान के दौरान बीजेपी पर सौरभ भारद्वाज का हमला। बोले, हमने बीजेपी की वॉशिंग मशीन भी लगाई है। चुनावी उथल पुथल के बीच कोल्हापुर की रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा, दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे। पीएम ने इंडिया गठबंधन पर किया प्रहार, कहा, विपक्ष ने खुलकर देश विरोधी एजेंडों और तुष्टिकरण के हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 15वीं लिस्ट जारी कर दी है। उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाने का ऐलान है। देश के नामी वकील उज्जवल निकम मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बीजेपी ने पूनम महाजन की जगह निकम को बनाया उम्मीदवार। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से पूनम महाजन 2 बार रह चुकी हैं सांसद, मौजूदा वक्त में भी वो इसी सीट से सांसद हैं। फिरोजाबाद में भी सीएम योगी की जनसभा, बीजेपी के लिए समर्थन मांगा। लोगों ने एक बार फिर लगाए मोदी सरकार के नारे। आम आदमी पार्टी विधायक अमरतुल्ला खान को ईडी ने फिर भेजा समन। 29 अप्रैल को ईडी हेडक्वार्टर पूछताछ के लिए अमरतुल्ला खान तलब। जेल में बंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली में पहला रोड शो किया, जनता से की अपील। सुनीता केजरीवाल ने कहा, जांच 10 साल चलेगी तो 10 साल जेल में रहेंगे, ये नया सिस्टम निकाला है, जांच तक जेल में रखेंगे। वहीं सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करके बीजेपी से पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार पर उठाया सवाल, पूछा, बीजेपी पूर्वी दिल्ली का उम्मीदवार बदल रही है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने जनसभा को किया संबोधित, विपक्ष पर साधा निशाना। असम के गुवाहाटी में साइकिल रैली का आयोजन, कार्यक्रम के दौरान लोगों को मतदान के लिए किया गया प्रेरित।